और भाई लोगों, क्या हाल चाल है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि जो इंडिया की कौन सी स्टेट जो है वो फिलीपीन में रेड फ्लैग है। ओके, तो आपने वो गाना तो सुना ही होगा, सिंग इज किंग। बट फिलीपींस में अगर आप सिंग हैं तो आप किंग नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जो पंजाब की जो स्टेट है वो फिलीपीन में रेड फ्लैग है। मीन्स अगर आप पंजाब के रहने वाले हैं तो आपको वीज़ा के लिए प्रॉब्लम आ सकती है, अगर आपके पेपर पूरी तरह से ठीक नहीं है। तो ऐसा होता है कि जब अगर वो देखते हैं कि आपका जो भी आपका एड्रेस होता है वो देखते हैं आपके फॉर्म में, और पूछते हैं कि अगर आप पंजाब से हैं या जिनका सरनेम सिंह होता है उनको पूछते हैं। जैसे कि मेरे साथ भी हुआ था एक बार ही, कि मैंने जब फॉर्म सबमिट किया था तो उन्होंने देखा, बोला पहले मैं उन्होंने पहला जो क्वेश्चन पूछा था कि आप पंजाब से हैं, तो मैंने कहा था नहीं। तो ये है, तो क्योंकि जो यहाँ पे जो फिलीपीन में जो मोस्टली जो लोग हैं वो पंजाब से हैं, तो पंजाबी लोग ऐसे होते हैं कि वो अपनी एक जाता है तो 10 को ले आता है। बट ऐसा भी है कि सिख भाई लोग हैं जो जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे उनको देते भी हैं। मीन्स यहाँ पे वो टेंपल खोलते हैं, पूरा तरह से हेल्प करते हैं डिजास्टर में। बट स्टिल ये है कि उनके लिए दिक्कत वहाँ पे आती है जब जब जो लोग हैं लीगल तरीके से आते हैं, तो इस तरीके से। और साथ में यहाँ पे फाइनेंस का बिजनेस भी, जैसे कि मैंने कहा कि 5-6 करते हैं, तो उसमें भी थोड़ा जो गवर्नमेंट है और जो लोकल लोग हैं उनके साथ उनका प्रॉब्लम्स होते हैं, इशू होते हैं। तो जो लोग पंजाब से आते हैं या जो ज़्यादातर सिख वो सरनेम होता है सिंह, तो उनको जो फिलीपीन एम्बेसी इंडिया में है वो थोड़ा सा दिक्कत करती है। जो पेपर है अच्छे से चेक करती है, अगर डाउट होता है तो क्वेश्चन भी पूछती है। तो अगर आप पंजाब से हैं तो आपको बेटर है कि आपका जो पेपर वर्क होना चाहिए, वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट का वर्क होना चाहिए, वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, कि कोई भी चांसेस मत छोड़िए डाउट के लिए। तो इससे आपको ये होगा कि आपके वीज़ा में परेशानी नहीं होगी। और ज़्यादातर जो सिख भाई लोग आते हैं घूमने के लिए, यहाँ पे रहने के लिए या शादी करने के लिए आ रहे हैं, तो बेटर है कि एक्सप्लेन मत कीजिए कि अगर आपका कोई रिलेटिव यहाँ पे रह रहा है, तो उससे ये क्या होगा कि आप जा रहे हैं तो वापस नहीं आएंगे। मैं अपने ये इस वीडियो में जो किसी भी सिख कम्युनिटी को या सिख पीपल को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, ये जस्ट मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। बट ये है कि सिख कम्युनिटी जो है वो जहाँ भी जाती है वो अपना पूरा सहयोग देती है, सपोर्ट देती है, क्योंकि आपने सुना होगा कि हर देश में जो सिख कम्युनिटी वो ज़्यादा है कंपेयर टू अदर 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 रिलीजन या कम्युनिटी के। तो फिलीपीन में भी यही है कि हाफ ऑफ जो इंडियन है वो सिख कम्युनिटी से हैं, और वो यहाँ पे बिजनेस करते हैं, आते हैं और सोसाइटी को भी देते हैं। ये जस्ट एक वो था कि अगर आप पंजाब से हैं तो और आपका सरनेम सिख है, तो मे बी आपके लिए क्वेश्चन हो सकता है, या आपके जो पेपर्स हैं वो मोर डिटेल से चेक किए जा सकते हैं। तो पूरी पेपर में पूरा अपना जो काम है होमवर्क कीजिए, अच्छे से बनाइए पेपर, तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये जब से एक वो टिप थी, खासकर जो पंजाब के लोग हैं और जो भाई लोग हैं यूज़र्स हैं उनके लिए, तो आई होप कि आपके लिए लाभदायक होगी। तो डू सेम लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, हैव अ गुड डे।